भैया, इन दोनों की खींचतान के बीच चलिए कुछ मौका तो मिला इनको हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने का। किसकी क्या, रजत और सवी की बात कर रही हो? देखिए ना, सही सवी और रजत जो है साथ में मॉल पहुंचे हैं, नहीं तो आपस में खटराक करते रहते हैं और टेंशन बढ़ती है। लेकिन अब लगता है न जाने क्यों कि इनकी ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसी से कहानी आगे बढ़ेगी। मोट का यू मम्मी डैडी वाला खेल खेलना याद होगा ना, ये बचपन में हम सब ने खेला है। लेकिन आज यहाँ पर सवी और रजत ये खेल इसलिए खेल रही हैं ताकि सई को अच्छा लगे। साथ साथ कुछ बिजनेस पार्टनर भी हैं जो अचानक से इस मॉल में मिल गए। अब सभी से गुजारिश की रजत ने कि प्लीज मेरा एक काम कर दो, हस्बैंड वाइफ बनने का छोटा सा ड्रामा कर दो। तो रजत भी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं क्योंकि उन्हें सही के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो वो जिद करते हैं कि मेरी गाड़ी में चलो, मेरी गाड़ी में ज़्यादा स्पेस है। और फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि क्या अपनी गाड़ी कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा प्लान है, मेरे साथ आप चलो। तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चलती हूँ। अब सभी तो रजत की बात कभी नहीं मानती, लेकिन जब उसने सई का चेहरा देखा तो इनकार नहीं कर पाई। और देखिए कैसे लग रहे हैं ये जब सई के झूठ मूठ के मम्मी पापा बने हैं। जहाँ दो हीरो हीरोइन अच्छे से जलप नहीं करते वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जो उनके फ्रेंड है वो कहते हैं कि अरे इतने प्यारे लग रहे हो, चलो चलो फ़ोटो खींचते हैं, और हम थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली साथ में आना पड़ता है, स्माइल करना पड़ता है, फ़ोटो क्लिक करनी पड़ती है। अब सभी और रजत, ये एक्टिंग आप दोनों अच्छे से कर रहे हो और करना भी चाहिए क्योंकि आगे जाके ये असली में करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सई के लिए आप दोनों को एक होना ही है। तो अच्छा है अभी से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। फिलहाल आप दोनों के फैंस है ना, उन्हें अब थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि जिस पल का वो इंतजार कर रहे थे वो पल बस आने ही वाला है। इस सिचुएशन अभी भले ही आप दोनों को ऑकवर्ड लग रही हो, लेकिन बहुत जल्द आप दोनों कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। ये बात तो 100% सच है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।